कोतवाली किच्छा शंभू हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने कांग्रेस नेता सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके निशानदेही पर धारदार हथियार सहित बिजली तार बरामद कर लिया। शनिवार शाम को एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने किच्छा कोतवाली में खुलासा करते हुए बताया कि शंभू पुत्र सुशील दफादर निवासी वार्ड नंबर 6 किच्छा की हत्या कर शव गोला नदी किनारे फेंक दिया गया था। उन्होंने बताया कि गोला नदी किनारे कांग्रेस नेता व क्रय विक्रय सहकारी समिति के पूर्व चेयरमैन कृष्ण कुमार उर्फ बाबू का खेत है। जानवरों से नुकसान बचाने के लिए उसने अपने खेत के चारों तरफ फेंसिंग कर उसमें करंट छोड़ दिया था। बुधवार सुबह कृष्ण कुमार को उसके खेत में काम करने वाले राकेश कोली निवासी रघुवीर नगर कॉलोनी बदिया भट्टा ने शंभू के करंट की चपेट में आने की सूचना दी। एसएसपी ने बताया कि सर्विलांस की मदद से राकेश कोली तक पुलिस पहुंची तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में शंभू हत्याकांड से पर्दा उठ गया। उन्होंने बताया कि कृष्ण कुमार ने राकेश कोली सेमल विश्वास निवासी खुरपिया गेट किच्छा व वीरेंद्र पाल निवासी गनौरी थाना जहानाबाद पीलीभीत यूपी हाल निवासी खुरपिया गेट नंबर 1 के साथ मिलकर धारदार हथियार दांव से उसके पैरों में वार कर हत्या कर दिया। बाद में उसका शव उठाकर झांकियों में फेंक कर उसके शिनाख्त मिटाने का प्रयास किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त धारदार पाटिल भी बरामद किया। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये सर क्या मामला जी? हाल ही में जो एक बॉडी मिला था 6 तारीख को, जिसमें शंभू व्यक्ति था, उसका बॉडी जो है किच्छा में जंगल के समीप एक नाले पर मिला था और बहुत गंभीर चोटें थी, काटा हुआ था, चॉप इंजरी जो बोलते हैं, कटा हुआ इंजरी था लेग्स पे और अन्य जगह पे, तो ब्रूटल एक जघन्य हत्या का वारदात सामने आई थी। तत्काल हमें अज्ञात के खिलाफ जो है हमने तहरीर लिया था, तो अलग अलग दिशाओं में काम करा, तो अभी जो है उसकी सफल अनावरण हुआ है। चौंकाने वाली चीज़ें आई हैं, जो इसमें जो है पूर्व कोऑपरेटिव चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन है, तो उसकी भूमिका रही है बाबू सिंह है। वो अपने खेत के चारों ओर जो है ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली 11,000 वोल्ट का तार बिछा के रखता था। उसको ये मानसिकता रहता था कि चोर या कुछ जानवर आके हमारे को वो कर देते, नुकसान कर देते। उस दिन इसमें वो जाके फंस गया, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हमारा जो बाबू सिंह को। उसने 2-4 और लोगों को बुलाया, काटा उसको, साइड में ले गया, काटा उसको, बहुत बर्बरता से काटा उसको और उसके बाद नाले में बहा दिया था उसको। इस प्रकार ये जघन्य अपराध, जघन्य हत्या की जो अपराध कारित किए गए हैं, उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके द्वारा जो भी इस वारदात में यूज़ किया गया सामान जो है, तार हो गया और आपका धव हो गया, सब चीज़ें बरामद हुआ है। तो अभी हम अच्छी से इन्वेस्टिगेशन करके हाईएस्ट लेवल ऑफ पेनल्टी, मतलब जो सबसे हाईएस्ट जो भी आपका ये होगा पनिशमेंट होगा, उसके लिए हम अपील करेंगे। सर, इसमें जो है कोई आपराधिक इतिहास है इनका? यस, एक व्यक्ति जो क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है, जिसके ऊपर बरेली का लूट भी है, उसको भी लाया था उसको ठिकाने लगाने के लिए, मतलब उसको फाइनली निपटा के उसको लाश को ठिकाने लगा के प्लान्ड तरीके से तुरंत उसको फोन करके 4 बजे ही सुबह सुबह बुला लिया था। तो वो जाके कुल मिला के चारों लोगों ने अच्छे से काट पीट के उसको मार दिया, बड़ा ब्रूटल तरीके से। तो इसमें वो दो लोगों में से एक जो है वो क्रिमिनल है, मतलब हार्डकोर क्रिमिनल है। थैंक यू। अच्छा।